दिल्ली एनसीआर से एक अहम खबर आज सुबह आई, जब कई स्कूलों को आज स्कूल में बम रखे होने का ईमेल मिला और जिसके बाद एक तरह से हड़कंप मच गया। इस ईमेल में कहा गया कि स्कूल में बम रखा गया है। आपको बता दें ये मेल 60 से ज्यादा स्कूलों को भेजे गए। इसके बाद पुलिस यहां पर हरकत में आई और स्कूलों को वहां पर खाली कराया गया, लेकिन कहीं भी कुछ संदिग्ध सामान या बम या कुछ नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक धमकी भरे ईमेल का आईपी एड्रेस पता करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक पता नहीं चल सका है कि ईमेल किसने और कहां से भेजा है। इसके अलावा खबर है कि दिल्ली के शहादरा के चाचा नेहरू अस्पताल को भी बम से जुड़ा ईमेल आया है। तो आज उस वक्त एक तरह से हड़कंप मच गया जब दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में, करीब करीब 60 स्कूलों में ईमेल के जरिए धमकी दी गई कि स्कूल में बम रखा है। हालांकि कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला। इस वक्त हमारे साथ पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। सर बताइए कि क्या जानकारी मिली थी और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई। एक मेल प्राप्त हुआ था, उस मेल में धमकी भरी बात कही गई थी। उसके संबंध में तत्काल पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचे सभी बच्चों को सकुशल उनके घर भेज दिया गया है। बाकी थोरोली एक चेकिंग हो चुकी है, अभी तक कहीं कोई इशू नहीं है। हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम कंटिन्यू चेक कर रही है। जितने भी स्कूलों में इस तरह के मेल आए हैं उन सब जगह पे फोर्स पहुंच चुकी है और हम लोग इंश्योर करवाए कहीं पे कोई इशू। जो पेरेंट्स हैं उनसे क्या कहना चाहिए। देखिए पेरेंट्स को, सभी से हमारी बात हुई है जो बच्चों को लेने आए थे, तो दे आर। और इस वक्त दिल्ली पुलिस प्रवक्ता सुमन नलवा हमारे साथ है। सुमन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज उस वक्त एक तरह से सभी पेरेंट्स घबरा गए, टीचर्स, स्कूल के प्रिंसिपल घबरा गए जब ये धमकी भरा ईमेल मेरा। अब आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि बताया जा रहा है 60 से ज्यादा स्कूलों को ये धमकी भरा ईमेल मिला है। जी मैं बिल्कुल एसोसिएट कर सकती हूँ कि इस तरह की पेरेंट्स बहुत ही टेंशन में होंगे और परेशान होंगे, लेकिन बताना चाहूंगी कि एज पर प्रोटोकॉल हर एक कॉल को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है और हर जगह थॉरो चेकिंग की जा रही है। और बताना चाहूंगी कि अब तक कोई भी ऐसा अनटूवर्ड ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे पेरेंट्स में पैनिक फैले या कुछ ऐसा हो। और इन द मीन टाइम पैरेलली इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी गई है। ऐसे ही जी, सुमन जी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है, क्या उसके आईपी एड्रेस या किसके द्वारा ये भेजा गया है उसके जुड़ी कोई जानकारी अब तक हासिल हो पाई है। मैम बताना चाहूंगी कि जब ये इस टाइप की कॉल्स आती हैं तो हमारे दो पहलू होते हैं। पहला है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने का, तो उसके लिए हर एक कॉल को सीरियसली लेते हुए हर एक प्रीमाइसिस को थॉरली चेक किया जा रहा है। और नंबर दो है इन्वेस्टिगेशन का, जो अभी नेसेंट स्टेज पर है, उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगी। धन्यवाद।